गिवन दैट थ्री आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 एंड 3 ईच कंटेनिंग टू कॉइन्स. इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स एंड इन बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन. ए पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड? वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड? सबसे पहला काम है हमारे पास सैंपल स्पेस को देखना है कि सैंपल स्पेस क्या है. सैंपल स्पेस E1, E2, E3 ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. तो पहले तो हम लोग लिखते हैं लेट E1, E2, E3 बी द इवेंट दैट 2, 3 चूजन रेस्पेक्टिवली. सैंपल स्पेस फर्स्ट बॉक्स सेकेंड बॉक्स थर्ड बॉक्स में बढ़ गया, यानी क्या हो जाएगा? हेंस E1, E2 एंड E3 आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो PE1 क्या हो जाएगा? 1/3. PE2 क्या हो जाएगा? 1/3. और PE3 क्या हो जाएगा? 1/3. अब A क्या होगा? लेट A बी द इवेंट दैट क्वाइन इज गोल्ड. इफ द क्वाइन इज ऑफ गोल्ड, A बी द इवेंट दैट क्वाइन इज गोल्ड. तो PA/E1 क्या होगा? क्वाइन इज गोल्ड फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स. प्रोबेबिलिटी दैट क्वाइन इज गोल्ड फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट बॉक्स में दोनों कॉइन गोल्ड के हैं, तो जब आप कॉइन को निकालेंगे एक कॉइन को तो वो गोल्ड का ही आएगा. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि गोल्ड दोनों उस बॉक्स में दोनों सिक्के गोल्ड के हैं तो गोल्ड वाला ही आना है, तो यहां पर 1 हो जाएगा. PA/E2 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज गोल्ड फ्रॉम सेकेंड बॉक्स. सेकेंड बॉक्स में जो है बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, तो सिल्वर कॉइन है तो वो कभी आएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा. और PA/E3 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज गोल्ड फ्रॉम थर्ड बॉक्स. थर्ड बॉक्स में एक सिल्वर है और एक गोल्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा. अब निकालना क्या है कि वो बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, तो PE1/A. फॉर्मूला क्या है? PE1 dot PA by E1 plus PE2 dot PA by E2 plus PE3 dot PA by E3. वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2/3. बहुत ही आसान सवाल है. PE1 पता ही है, PE2 पता है, PE3 पता है, PA/E1 1, PA/E2 0, PA/E3 1/2. पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर 2/3. क्वेश्चन नंबर 2. ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स. He throw a die and report that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6.
यानी कि सैंपल स्पेस दो पार्ट में टूट जाएगा, एक होगा एक्चुअली में सिक्स आया है और एक नॉट एक्चुअली सिक्स, यानी कि जो सैंपल स्पेस है वो दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर देंगे, एक में एक्चुअली में सिक्स आएगा और एक में एक्चुअली में सिक्स नहीं आएगा। तो लेट ई वन बी द इवेंट दैट सिक्स अकर्स एंड ई टू बी द इवेंट दैट सिक्स डज नॉट अकर, सैंपल स्पेस इन दोनों के अलावा कहीं नहीं टूटेगा। हेंस E1 एंड E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब PE1 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/6। नाउ ए बी द इवेंट दैट मैन रिपोर्ट्स, लेट ए बी द इवेंट दैट मैन रिपोर्ट्स 6 ऑन डाई। नाउ पी ए बाई ई वन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट मैन रिपोर्ट्स 6 व्हेन 6 अकर्स एक्चुअली। सही में 6 आया है तो जाहिर सी बात है इसका मतलब वो सच बोल रहा है, तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा। और पी ए बाई ई टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट मैन रिपोर्ट 6 व्हेन 6 डज नॉट अकर एक्चुअली, यानी कि इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोलने का क्या होगा हिसाब किताब, 1/4। अब पूछा क्या क्या गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। पी इवन बाई ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट रिपोर्ट ऑफ द मैन दैट 6 हैज अकर्ड एक्चुअली अ 6, यानी कि एक्चुअल में 6 आया है और ए क्या है उसने रिपोर्ट किया है 6, क्योंकि दो ही इवेंट है, एक 6 आ सकता है एक 6 नहीं आ सकता है। तो उसने रिपोर्ट किया है आदमी ने, प्रोबेबिलिटी दैट रिपोर्ट ऑफ द मैन दैट 6 हैज अकर्ड एक्चुअली अ 6, और रिपोर्ट किया है 6 आया है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, पी ई वन डॉट पी ए बाई ई वन अपॉन पी ई वन डॉट पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू डॉट पी ए बाई ई टू। फार्मूला रख लीजिए, पी ई वन क्या होगा 1/6, पी ए बाई ई वन क्या होगा 3/4 अपॉन 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। जब आप सॉल्व करेंगे तो 3/8 आ जाएगा इसका आंसर। इसमें ये लाइन थोड़ा सा मुश्किल है लिखना, प्रोबेबिलिटी दैट रिपोर्ट ऑफ द मैन, की रिपोर्ट है दैट 6 हैज अकर्ड, 6 आ चुका है एक्चुअली अ 6, 6 आ चुका है और वो एक्चुअल में आया है, ये है इसका मतलब। ए पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक, 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, इफ देयर इज नो स्ट्राइक एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम।
if there is a strike. Determine the probability that construction job will be completed on time. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन. इसमें सबसे पहले दो इवेंट को मानते हैं. लेट यहां पर आपसे ये नहीं कुछ पूछा गया है. उसने पूछा है कि हमारा जो काम है वो समय पर हो जाए, बस. उसने ये नहीं पूछा है कि काम समय पर हो अगर स्ट्राइक हो या अगर स्ट्राइक ना हो. उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा हमारा काम समय पर हो. अब वो ये भी हो सकता है कि स्ट्राइक होकर के काम समय पर हो जाए, स्ट्राइक ना होकर के काम समय पर हो जाए. समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब इसमें क्या काम करना है, केवल यानी कि इस क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम का नहीं है. उसने केवल आपसे ये पूछा है कि काम समय पे हो जाए, कंस्ट्रक्शन जॉब बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. अब वो अलग मैटर है कि वो स्ट्राइक होकर के समय पे हो, वो अलग मैटर है कि स्ट्राइक ना होकर के समय पर हो. तो लेट इवन बी द इवेंट दैट देयर विल बी स्ट्राइक and E2 be the event that there will be no strike. Sample space को दो part में break कर लिया, या तो strike हो या ना हो. Hence E1 and E2 are two mutually exclusive and एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो पी ई वन क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ स्ट्राइक 0.65. पी ई टू क्या होगा, देयर विल बी नो स्ट्राइक. लेट ई वन बी द इवेंट दैट देयर विल बी स्ट्राइक एंड ई टू बी द इवेंट दैट देयर विल बी नो स्ट्राइक. तो स्ट्राइक होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.65. और दोनों केस क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है. तो इसका मतलब है कि 0.35 हो जाएगी स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी. अब लेट ए बी द इवेंट डेट कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम. उसने यही चीज आपसे पूछी है, पी ए पूछा है उसने. तो पी ए के एक दो कंडीशन हो सकती हैं कि एक आपका स्ट्राइक होकर के काम समय पर हो जाए और एक स्ट्राइक ना होकर के काम समय पर हो जाए. यानी पी ए बाई ईवन क्या है, स्ट्राइक होकर के, मैं बता दे रहा हूं पी ए बाई ईवन क्या है. पी ए बाई ईवन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हेन देयर इज अ स्ट्राइक. और पी ए बाई ई टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम when there is no strike. तो पहले PE1 क्या है, 0.65 into strike होने के बाद 0.80. And 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Strike होने के बाद 0.32 आपको दे रखा है plus, और strike ना होने की probability ये है. और strike अगर नहीं होती है तो काम खत्म होने की probability क्या है, 0.80. बहुत घुमा के दिया हुआ है लैंग्वेज, बहुत घुमा के दिया है इसका. ये इधर दे रखा है, ये इधर दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है. 0.488 ये आपका आंसर हो जाएगा. थोड़ा ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है और आपका आंसर आ जाएगा. थैंक यू.